आरबीआई ने छोटे और मंझोले किसानों को राहत देते हुए बिना किसी जमानत के कर्ज की सीमा बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दी है। पहले ये सीमा सिर्फ 1,00,000 रुपए ही थी। आरबीआई ने छोटे और मंझोले किसानों को राहत देते हुए बिना किसी जमानत के कर्ज की सीमा बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दी है। यानी अब छोटे किसान बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से 1,60,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास ने गुरुवार को इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने बीज और खाद के बढ़ते दामों और फसल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। Enhancing the limit of collateral free agricultural loans from rupees 1 lakh to rupees 1.6 lakh, keeping in view the overall increase in inflation and the rise in agricultural input costs. किसानों को ये लोन बैंकों से केवल खेती के लिए ही मिलेगा। इस फैसले से पहले इस तरह के लोन की सीमा 1,00,000 रुपए थी। यानी 1,00,000 से ऊपर का लोन लेने पर किसानों को अपने घर या जमीन के कागजात बैंक में जमा करवाने पड़ते थे। आरबीआई के इस फैसले से किसानों को राहत मिली है। रिजर्व बैंक की जो आदेश हुआ है वो हम खुश हैं, अच्छी तरह से बढ़िया है। प्रशासन ने जो किसान की आय बढ़ेगी उसका लाभ भी मिलेगा। किसान 1,60,000 कर्ज लेगा बैंक से, खाद बीज खिलाने किसान का काम चलेगा। आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बात है। एग्री सेंसस 2015-16 के अनुसार देश में 86% छोटे और मंझोले किसान हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।